भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 34वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक का महीना बड़ा ही पुण्यकारी महीना माना जाता है और इस महीने में प्रातःकाल जल्दी स्नान करना तथा भगवान का पूजन करना और कार्तिक माह के निमित्त ब्राह्मण को दक्षिणा दान देना, वस्त्र दान देना, भोजन के निमित्त दान देना या फलाहार के निमित्त दान देना या फिर गौ दान करना या स्वर्ण दान करना, भूमि दान करना या फिर पीपल वृक्ष का, समी वृक्ष का दान करना बड़ा ही कल्याणकारी माना जाता है। तो आप दान पुण्य करके कार्तिक महीने का संपूर्ण पुण्य फल अवश्य प्राप्त करें। अब हम आपको कार्तिक माह के 34वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरे श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली ही रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। सूत जी ने ऋषियों से कहा प्रसंग बखान, 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। हे सूजी महाराज, यह पीपल का पेड़ शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता है? सूजी महाराज ने कहा कि समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को प्रदान कर दी। और विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता है, आप मुझ छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह करवा दीजिए, बाद में मुझसे विवाह कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्राचीन नियम है, जब तक बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता है तब तक छोटी बहन का कैसे विवाह होगा। सूची महाराज कहते हैं कि लक्ष्मी जी के ऐसे वचन को सुन करके भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उद्दालक ऋषि के साथ में कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल थे। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उनसे विवाह करके उसे वेद मंत्रों से ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित, हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के मनोहर आश्रम को देख करके वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात को सुनकर के महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहां पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझको बताओ। अलक्ष्मी यानी दरिद्रता ने कहा कि जहां पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म होते हो, उस स्थान पर मैं कभी भी निवास नहीं करती हूँ। जहां पर पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम करते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर मैं निवास नहीं कर सकती हूँ। जहां पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हो, जहां से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहां पर पूज्य वृद्धों, सब पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहां दुराचारी, चोर, परस्त्री ग्रामी प्राणी निवास करते हैं, जहां पर गायों का वध होता हो, मदिरा पान होती हो, ब्रह्म हत्या आदि कुकर्म होते हो, वहां पर मैं प्रसन्नता से निवास करती हूँ।
सूत जी महाराज ने कहा कि इस प्रकार और लक्ष्मी ने दरिद्रता के वचन को सुनकर के उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर के चुप रह गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न लाऊं, तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी महाराज ने कहा कि महर्षि, उद्दालक उसे पीपल के पेड़ के नीचे बिठा करके उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले गए, लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसकी बुरी तरह रोना सुनकर के लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर के भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूं तो आप उसे आश्वासन देकर देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना को सुनकर के कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर के उसी पीपल वृक्ष के पास में पहुंच गए, जहां पर अलक्ष्मी बैठ करके रुदन कर रही थी, रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करती है। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा प्रथु और नारद का संवाद तो आपने सुना दिया, जिसके सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब तुमको पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैं उसे विस्तार पूर्वक कहूंगा। सूत जी महाराज की बात को सुनकर के शोनकादि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त से वहां बैठे रहे। बाद में श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन करने को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कार्तिक माह के 34वें अध्याय की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गो माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना चाहते हैं, या फिर आप ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या कार्तिक माह के निमित्त आप वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, शमी पत्र का वृक्ष दान करना चाहते हैं, या पीपल का वृक्ष आप दान करना चाहते हैं, तुलसी दल का यदि आप दान करना चाहते हैं, या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप कार्तिक माह के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्यफल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।